ब्लाइंड फेथ हो गया है, कुछ भी लोग कहीं भी पढ़ लेते हैं, दे फील कि ये मेरी स्किन के लिए बेस्ट है। और अगर ऐसा पेशेंट प्रोडक्ट यूज़ करेगा जिसमें लिखा है फॉर ड्राई स्किन, तो उसके पिंपल्स कभी सेटल नहीं होंगे। मोस्टली पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि बिकॉज मेरी स्किन बहुत ऑयली है तो मुझे इसमें मॉइस्चराइजर नहीं। वाइटामिन सी शुड आइडियली नॉट बी यूज्ड बाय पीपल विद ऑयली स्किन। हर स्किन के टाइप का जो केयर है वो भी बता दो। सीरम हैज टू बी डिफरेंट फॉर ईच स्किन टाइप। अगर हम एक स्किन ऑयली स्किन को सुपर ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो एज अ कॉम्पनसेशन वो और ऑयल बनाते हैं। एवरी स्किन टाइप अक्रॉस ऑल एजेस नीड्स गुड स्किन। तो एक बार फिर से हम हाजिर है लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज अगर बात की जाए केवल लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। सो आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि एक जो स्किन है उसकी स्किन की टाइप को कैसे पहचानें सबसे पहले, क्योंकि अगर आपको आपकी स्किन की टाइप पता होगी तभी आप उसकी बेटर केयर कर पाएंगे। एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विदुषी सिंगल। मैम बहुत स्वागत है। तो मैम जो ऑडियंस से बहुत जानना चाहते हैं कि स्किन की जो टाइप है उसको पहचाने कैसे। एग्जैक्टली मैम, जैसे आपने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले अपनी स्किन की टाइप को पहचाने, उसी के बाद हम अपना स्किन केयर का रूटीन बना सकते हैं। सो मेनली ब्रॉडली तीन तरह की स्किन्स होती हैं। एक होती है ऑयली। सो अगर एक पेशेंट फील करता है कि उसकी स्किन में ऑयल ज़्यादा फील हो रहा है या पोर्स इनलार्ज्ड हैं या डैंड्रफ है या एक्ने है, पिंपल ज़्यादा है, तो दैट मीन्स वो पेशेंट की स्किन इज़ ऑयली। और अगर ऐसा पेशेंट प्रोडक्ट यूज़ करेगा जिसमें लिखा है फॉर ड्राई स्किन तो उसके पिंपल्स कभी सेटल नहीं होंगे। फेस वॉश करने के बाद भी कई पेशेंट्स ऐसा फील करते हैं कि उनकी स्किन पे ऑयल है, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ ऑयली स्किन टाइप। फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो स्किन हमेशा ड्राई डिहाइड्रेटेड फील होती है, उनको फेस वॉश करें चाहे ना करें हमेशा उनको एक खिंचाव महसूस होता है या वाइट लाइंस, व्हाइटनेस। ये मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद भी ऐसे रहेगा उनको? अगर तो वो करेक्ट मॉइस्चराइजर यूज करेंगे फिर नहीं होगा। हाँ जी, एग्जैक्टली। सो ये जो स्किन टाइप है जो मॉइस्चराइजर उनको बार बार लगाना पड़ता है, इट इज अ वेरी ड्राई स्किन। सो नॉर्मली हम देखते हैं कि विद एज स्किन्स विल बिकम मोर ड्राई। और कुछ ऐसी स्किन्स होती हैं जो बैलेंस्ड हैं, अगर वो ऑयली ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो पिंपल भी निकल आएगा, बट रूटीन में उनकी स्किन नॉर्मल रहती है। सो दिस इज़ अ नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। देर इज़ अ टेंडेंसी टू ऑयल। सो ये तीन मेजर ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं ऑफ स्किन टाइप्स मैम। स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली हम बात करें, आपने बताया कि उसके अकॉर्डिंग जो केयर है वो भी होनी चाहिए। तो आई वॉन्ट हमारे ऑडियंस के लिए आप हर स्किन टाइप का जो केयर है वो भी बता दें। सो मोस्टली जो ऑयली स्किन्स हैं मैम, दे शुड यूज़ अ फेस वॉश मिनिमम टू टाइम्स अ डे। तो ये फेस वॉश मॉर्निंग एंड नाइट यूज़ करें। दिस फेस वॉश कैन बी आइदर एन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बेस्ड फेस वॉश, या अगर बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा पिम्पल्स हैं तो इवन अ बीटा हाइड्रोक्सी, जिसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, उसका फेस वॉश दिन में दो बार यूज़ करना चाहिए। मोस्टली पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि बिकॉज मेरी स्किन बहुत ऑयली है तो मुझे इसमें मॉइस्चराइजर नहीं लगाना। ये मेरे को भी क्वेश्चन रहता है, मुझे लगता है कि उसमें तो ऑलरेडी ऑयल हो रहा है तो मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, बट मैम तेल और पानी में फर्क है। अच्छा, सो ऑयली क्रीम्स और जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स में फर्क है। सो इवन फॉर ऑयली स्किन्स एक जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। इनफैक्ट हम एडवाइस करते हैं कि दिन में दो बार लाइट वेट या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट, क्योंकि अगर हम एक स्किन ड्राई ऑयली स्किन को सुपर ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो एज अ कॉम्पनसेशन वो और ऑयल बनाती है। स्किन को समझ नहीं आता कि वो क्या हो रहा है तो वो और ऑयल बनाने लगती है। सो एक तो हमें उसको थोड़ा मॉइस्चर देना है, उसको काम रखना है, सेटल्ड रखना है, और एक्स्ट्रा कॉम्पनसेटरी ऑयल प्रोडक्शन को भी कम करना है। और एक आपने बताया नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन, उनका क्या क्या रहेगा? दे आर द बेस्ट स्किन टाइप्स, सो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केयर हर स्किन को रिक्वायर्ड है, स्पेशली इन दिस जैसे हम इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, यहाँ पोल्यूशन भी है, खाने पीने का भी इतना अच्छा केयर नहीं हो पा रहा, प्लस ऑल ऑफ अस आर एडिक्टेड टू जंक फूड। सो एवरी स्किन टाइप अक्रॉस ऑल एजेस नीड्स गुड स्किन केयर। मैम एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, अगर यूट्यूब भी फॉलो करें तो एक वीडियो ट्रेंडिंग में बहुत मिलती है, CTM।
तो उसके बारे में जरूर बताएं कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू डू सीटीएम। सो मैम, सबसे पहले द टी इज रिडंडेंट नाउ। अब हम टोनर्स, टोनिंग इतनी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि जो न्यू एज फेस वॉशेज हैं उन सब में ऑलरेडी एसिड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, पॉलीलैक्टिक एसिड्स, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मिक्स्ड हैं मैम। सो इनसे क्या हो रहा है कि जो पोर्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। उस पोर क्लैरिफाइंग या पोर टोनिंग के लिए हमें एक और प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सो इज नो मोर सीटीएम। So now it is a cleanser, a serum. Serum has to be different for each skin type. वो मैं अभी आपको explain करती हूँ। उसके बाद moisturizer and then sunscreen. इनमें से सबसे ज़्यादा important एक sunscreen का रोल है मैम। Okay. जो पहले CTM में था ही नहीं, अब वो सबसे ज़्यादा important है। आपने भी बताया कि मैं उसका बताऊंगी सीरम का, तो आई एम श्योर ऑडियंस जानना चाहती है। सीरम्स आर लाइक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुके हैं, लाइक विटामिन सी सीरम कोई कह रहा है कुछ यूज़ करना, एंड दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग विदाउट नोइंग देयर स्किन टाइप। हाँ जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ज़रूर। सो वेरी वेरी करेक्टली मैम आपने बताया कि ब्लाइंड फेथ हो गया है। कुछ भी लोग कहीं भी पढ़ लेते हैं, दे फील कि ये मेरी स्किन के लिए बेस्ट है। सो सबसे पहले मोस्ट ट्रेंडिंग मॉलिक्यूल विटामिन सी। विटामिन सी शुड आइडियली नॉट बी यूज्ड बाय पीपल विद ऑयली स्किन्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विटामिन सीज मैम उनके जो बेस हैं वो ऑयली बेस हैं, एंड दे विल कॉज सम फॉर्म ऑफ एक्ने, कोई छोटे बम्स आते हैं, किसी को वाइट हेड्स होने लगते हैं। सो आइडियली ऑयली स्किन should not use a vitamin C serum. But a normal skin type or a dry skin type can use. But even the dry skin patients have to be careful, ma'am. Because vitamin C is a very strong antioxidant serum. वो अपने ही एक हक में बहुत strong serum है। तो अगर skin बहुत dry है, sun damaged है, parched है, उसमें without moisturizing अगर हम सीधा vitamin C, वो भी high percentage या strong percentage serums लगाएंगे, तो उसका भी नुकसान हो सकता है पेशेंट को। सो बिल्कुल, जो भी आपकी स्किन टाइप है, फर्स्ट गेट टू नो व्हाट योर स्किन टाइप इज, उसी के बाद सही सीरम्स को यूज करें। सही में सनस्क्रीन का भी कोई डिफरेंस होता है कि कैसे यूज करनी है? सनस्क्रीन चाहे कोई भी हम सनस्क्रीन आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आइडियली एक अच्छी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सनस्क्रीन, हम बताते हैं कि दो फिंगर्स पे आप सिंगल लाइन सनस्क्रीन लगाएं, इतना सनस्क्रीन शुड बी अप्लाइड मिनिमम 2 to 3 टाइम्स अ डे। तो अगर तो एक जैसे फॉर एग्जांपल एक हाउस वाइफ हैं जो घर पे रहती हैं, तो कम से कम 2 बार उनको लगाना चाहिए। बट अगर किसी पेशेंट का एक्सपोजर है टू डायरेक्ट सनलाइट, उन्होंने काम पे जाना है या स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाना है, कॉलेजेस जाना या है, ट्रैवलिंग वगैरह में, ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो कम से कम 3 बार दिन में वो सनस्क्रीन री अप्लाई करना है। सबसे कॉमन मिस्टेक सनस्क्रीन की यही होती है, एवरी टाइम दे हैव टू वॉश द फेस एंड नहीं नहीं नो नो मैम पानी से वॉश करें जस्ट, ताकि पिछली एप्लीकेशन का ऑयल या स्वेट फेस से हटे, एंड री अप्लाई करना चाहिए। बट अगर हम पेशेंट को समझाते हैं अगर आप नहीं वॉश कर सकते, तो इट इज़ बेटर टू री अप्लाई विदाउट वॉशिंग रादर देन नॉट री अप्लाई। इट इज़ गुड, इट वही कहते हैं इट इज़ बेटर टू डू समथिंग देन टू डू नथिंग। सो आपने AM PM दोनों रेजिमेंट बता दिए हैं। आई एम श्योर जो ऑडियंस है आपको काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी। इस वीडियो में फिलहाल हमारा जो टॉपिक था यही था कि आपकी स्किन टाइप जो आप कैसे पहचानें, ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली है, और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो स्किन केयर है उसको फॉलो करें। और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, आपका जो अपना कंसर्न है वो लिख सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। डॉक्टर विदुषी सिंगल, आपके सभी कंसर्न को एड्रेस किया जाएगा, आपकी क्वेरीज को हल किया जाएगा।